Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about the topic Bresenham's line drawing algorithm of subject computer graphics of BE6M CSE. हम आज देखेंगे कि Bresenham's line drawing algorithm होता क्या है, हम इसमें कैसे coding करके कैसे वो line draw करता है। अब हम देखते हैं कि Bresenham's line drawing algorithm होता क्या है। This algorithm is used for scanning कन्वर्टिंग अ लाइन, मीन्स यदि हमको किसी लाइन को स्कैन करके कन्वर्ट करना है तो उस चीज के लिए Bresenham's लाइन एल्गोरिदम यूज होता है। इस एल्गोरिदम को डेवलप किया था Bresenham's ने। इट इज एन एफिशियंट मेथड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली इंटीजर एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। मीन्स ये एक एफिशियंट मेथड है क्योंकि ये सिर्फ किस चीज को इन्वॉल्व करता है, सिर्फ जो इंटीजर के एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन होते हैं ये उन्हीं चीजों को इन्वॉल्व करता है। दिस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म वेरी रैपिडली, ये ऑपरेशन बहुत रैपिडली परफॉर्म होता है और जो भी इसका रिजल्ट रहता है वो बहुत क्विकली जनरेट हो जाता है। इन दिस मैथड नेक्स्ट पिक्सल सिलेक्टेड इज दैट वन हु हैज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रू लाइन। मीन्स इसमें जो नेक्स्ट पिक्सल हम सिलेक्ट करते हैं वो ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो कि ट्रू लाइन से लीस्ट डिस्टेंस पे होता है। एक जो हमारा ट्रू लाइन रहता है उससे जो भी लीस्ट डिस्टेंस में पिक्सल्स हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या मेथड है, कैसे हम पिक्सल सिलेक्ट करते हैं। एज्यूम अ पिक्सल P1-X1-Y1-, देन सिलेक्ट सबसिक्वेंट पिक्सल एज वी वर्क आवर मे टू दी नाइन वन पिक्सल पोजिशन एट अ टाइम इन दी हॉरिजोंटल डायरेक्शन टूवर्ड P2-X2-Y2-। मीन्स हम हॉरिजोंटल डायरेक्शन में एक पिक्सल सिलेक्ट करेंगे P2- को और हम एक पिक्सल एज्यूम करेंगे जो कि हमारे सब्सिक्वेंट पिक्सल रहेंगे। Once a pixel is choose at any step, means यदि हमने एक पिक्सल चूज कर लिया किसी भी स्टेप में तो उसके बाद हम नेक्स्ट पिक्सल कैसे सिलेक्ट करेंगे। Either the one is to its right, means या तो एक पिक्सल उसके राइट पे होना चाहिए लोअर बाउंड फ्रॉम दी लाइन, लाइन से लोअर बाउंड में, या फिर सेकेंड वन टॉप इट्स राइट एंड अप, मीन्स या तो उसके टॉप पे या फिर उसके राइट पे नेक्स्ट पिक्सल मिलना चाहिए। द लाइन इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय दोज पिक्सल्स दैट फॉल द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ बिटवीन P1-P2-। मीन्स जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन पिक्सल्स रहते हैं वो लीस्ट डिस्टेंस में फॉल रहते हैं P1-P2- में। अब आप ये फिगर देख के समझ सकते हैं कि हमारा जो P1- है और जो P2- है, हमने P1- से जैसे P2- लिया है तो उसके बाद जो हमारा लाइन है, जो हमारा P1- और P2- है वो हमारा ट्रू लाइन है जो कि हमने एक लाइन लिया है। उसके बाद जो भी स्कैन कन्वर्टेड पॉइंट्स रहेंगे हम उसको या तो उसके राइट साइड पे लेंगे या तो उसके टॉप में लेंगे। टू चूज द नेक्स्ट वन पिक्सल बिटवीन बॉटम पिक्सल एस एंड टॉप पिक्सल टी, मीन्स बॉटम पिक्सल एस और टॉप पिक्सल टी में हम एक नेक्स्ट पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। देन इफ एस इज चूजन, यदि हमने एस को चूज किया, वी हैव एक्स वन एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस वन, और यदि हमने टी को चूज किया तो हमारे पास वाई की वैल्यू चेंज होगी। Then actual y coordinates of the line x equal to xi plus 1 is y equal to mxi plus 1 plus b। तो जो हम डिस्टेंस लेंगे y डायरेक्शन से वो y माइनस वाई आई लेंगे और जो एक्चुअल लाइन से डिस्टेंस लेंगे उसको हम t इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई लेंगे। अब हम Bresenham's लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का एडवांटेज देखते हैं। मीन्स
इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्यों हम ब्रेशनहैम स्लैंग ड्राइंग एल्गोरिदम को यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली इंटीजर अर्थमेटिक, सो इट इज सिंपल। मीन्स ये सिर्फ इंटीजर्स को ही यूज करता है, इसलिए ये सिंपल है। इट अवॉइड्स द जनरेशन ऑफ डुप्लीकेट पॉइंट्स, माने ये डुप्लीकेट पॉइंट्स नहीं बनाता, जो एक बार पॉइंट्स रहते हैं वो उसी को रहता है, डुप्लीकेट ये जनरेट नहीं करता। थर्ड वन इज इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हार्डवेयर बिकॉज इट डज नॉट यूज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मीन्स ये जो है इम्प्लीमेंटेड, जो भी ये इम्प्लीमेंटेड होता है वो हार्डवेयर में होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिविजन नहीं यूज होता है। फोर्थ वन, इट इज फास्टर एज कम्पेयर टू DDA बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन लाइक DDA एल्गोरिदम। ये सिर्फ इंटीजर्स पे यूज करता है, इसीलिए ये DDA एल्गोरिदम के कम्पेयर में बहुत फास्ट काम करता है, और क्योंकि DDA में फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन यूज होते थे, जिसके कारण DDA एल्गोरिदम स्लो काम करता था, और DDA एल्गोरिदम के कंपेयर करें यदि हम ब्रेशनहैम से, तो ब्रेशनहैम उसके कंपेरिजन में बहुत फास्ट काम करता है। देन हम देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज हम देखें तो द एल्गोरिदम इज मीन फॉर बेसिक लाइन ड्राइंग ओनली। मीन्स ये हम इस एल्गोरिदम को यूज करके सिर्फ एक बेसिक लाइन ड्राइंग कर सकते हैं, इनिशियलाइजिंग इट नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेशनहैम स्लैंग एल्गोरिदम। इससे इनिशियलाइज करके दिस एल्गोरिदम इज मीन फॉर बेसिक लाइन ड्राइंग ओनली। मीन्स इसमें हम सिर्फ बेसिक लाइन ड्राइंग कर सकते हैं। एंड सो टू ड्रॉ स्मूथ लाइन यू शुड वॉन्ट टू टुक अ डिफरेंट एल्गोरिदम। मीन्स हम इससे सिर्फ बेसिक लाइन ड्राइंग कर सकते हैं, इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए यदि हम कोई स्मूथ लाइन्स बनानी है तो हम इस चीज के लिए कोई और एल्गोरिदम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रेशनहैम स्लैंग ड्राइंग एल्गोरिदम। हम इसका एल्गोरिदम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो हम बहुत इजिली समझ पाएंगे। जैसे कि आप प्रोग्राम देख सकते हैं, आप पहले एल्गोरिदम में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, सारी चीजों की वैल्यू डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप जो भी वैल्यू स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यू डालेंगे, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यू डालने के बाद हम उनके बीच की जो पॉइंट्स है उसको फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम। देन जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने x और x1 y1 को 1 और 1 लिया है, और x2 y2 को 8 और 5। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो 1 1 है, और जो एंड पॉइंट है वो 8 और 5 है। अब हम उनके बीच की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमने उनके बीच की वैल्यूज फाइंड आउट की है। 1 1 से स्टार्ट किया है, फिर सेकेंड एक्स वाई की वैल्यू 2 2, ऐसे करके हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और जो लास्ट वैल्यू आई है आपकी 8 और 5, हमने एंड पॉइंट लिया हुआ था, तो तब तक के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 1 इनिशियलाइज करेंगे, और 1 1 से हम तब तक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब तक कि हमारा लास्ट 8 और 5 पॉइंट्स ना आ जाए। अब जो भी आपका पॉइंट्स आया है आप उसको सिंपली ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। ये आपका सिंपली एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ है, जिसके के बीच में आपके पास जो पॉइंट्स आई हैं आपने उस पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है। हमने इसका प्रोग्राम सी लैंग्वेज पे बनाया हुआ है। जैसे कि आप पहले हेडर फाइल्स उस पे लेते हैं, जैसे stdio.h, corneo.h, और हम यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी फंक्शन लिया है mat.h, और ग्राफिक्स की कोडिंग कर रहे हैं इसलिए हमने graphics.h लिया है। उसके बाद जो भी हमने इनिशियलाइज किया है, जितने भी हमको वेरिएबल्स चाहिए x1 y1 x2 y2, ये सारी चीजें हम इसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद वैल्यू, जो हमको वैल्यू लेनी है हम वो वैल्यू लेंगे, जो भी आपको वैल्यू लेनी है हम इसे रन टाइम पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इफ एल्स लगा के। उसके बाद वाइल मीन्स जब तक कि हमारी लास्ट वैल्यू नहीं आ जाएगी
जैसे कि हमने जो इनिशलाइज किया था स्टार्टिंग वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक के, तो ये कोडिंग कब तक के चलेगी? जब तक कि हमारी जैसे वन वन हमने इनिशलाइज किया है, तो वन वन से लास्ट तक की वैल्यू जो नहीं आ जाती तब तक कि हम इस कोडिंग को रन करेंगे, और जैसे ही हमारी लास्ट की वैल्यूज आ जाएगी ये कोडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें हमने इफ एल्स पार्ट लगाया हुआ है, एंड पहले हम वैल्यू एंटर करेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की, मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम इफ एल्स लगाएंगे। इफ एल्स में जो भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू ली हुई है एक्स वन वाई वन की, हम उससे फर्स्ट एक्स वाई की वैल्यू लेंगे, देन हम उसके ऊपर प्रोग्राम लगा के वाइल लूप लगा के वो कोडिंग तब तक चलते रहेगी जब तक कि लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती। देन हम इसको कंपाइल करेंगे। ये हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल। देन हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया, अब आपने जब इसे रन किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में शो हो रहा है कि एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स ए वाई एंड एक्स बी वाई पी। हम एक्स ए वाई और एक्स बी वाई पी की वैल्यू डालेंगे। तो सपोज हमने डाला 100, 200, 300 एंड 400। हमने ये एक्स ए वाई एक्स बी और वाई बी की वैल्यू डाली, तो आप देख सकते हैं कि लाइन कैसे प्रिंट हो रहा है। देन अब आप एक और कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 400, 500, 600 एंड 700, सॉरी 400 देन 600 देन 700 एंड देन 800। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज ली 200, 300, 400 एंड 500, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन ड्रॉ हो रही है। देन हम सिंपली इसमें वेरियस वैल्यूज ले सकते हैं, और वेरियस वैल्यूज लेके हम देख सकते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। तो सिंपली ब्लेशन हेम्स एल्गोरिदम किस लिए यूज किया हमने? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमने डिफाइन किया, बीच के पॉइंट्स वो अपने से फाइंड आउट करेगा, और फाइंड आउट करने के बाद जैसे भी लाइन ड्रॉ होगी वो ड्रॉ करके दिखाएगा। तो ये हमने कोडिंग के थ्रू और अच्छे से देख लिया कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। डीडीए एल्गोरिदम भी यूज होता है लाइन ड्राइंग के ही लिए, पर डीडीए एल्गोरिदम यदि हमको फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह लेनी है तो हम डीडीए एल्गोरिदम उस चीज के लिए यूज करते हैं। और बेसिकली लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू बस यूज होती है। अदर वैल्यूज इंटीजर को छोड़ के और कोई वैल्यू इसमें यूज नहीं होती, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह इसमें यूज नहीं होता। जिसलिए जो ब्रेसनहैम्स एल्गोरिदम है लाइन ड्राइंग, ये बहुत फास्ट काम करता है डीडीए एल्गोरिदम के कंपैरिजन में। यदि हम देखें तो ब्रेशनहैम्स एल्गोरिदम बहुत फास्ट काम करता है, यही इसके लिए एडवांटेज है कि ये डीडीए एल्गोरिदम से फास्टर काम करता है। लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आजकल यूज किया जाता है, और इसे ब्रेशनहैम्स द्वारा डेवलप किया गया था। और ब्रेशनहैम्स एल्गोरिदम के थ्रू जो भी हम लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं वो मोर एक्यूरेटली ड्रॉ होता है एज कम्पेयर टू डीडीए एल्गोरिदम। और यदि हम सर्कल्स या और कुछ शेप्स ड्रॉ करना चाहे तो ब्रेशनहैम्स एल्गोरिदम के द्वारा वो भी बहुत ही एक्यूरेट ड्रॉ होता है एज कम्पेयर टू डीडीए एल्गोरिदम। डीडीए एल्गोरिदम में एक्यूरेसी की जहां पे हम बात करें तो उसमें एज एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है, बट ब्रेशनहैम्स एल्गोरिदम में हमको मोर एक्यूरेट वैल्यूज मिलती है एज कम्पेयर टू डीडीए एल्गोरिदम।
एंड ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के थ्रू हम सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है, उसकी कोडिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। थैंक यू।